मंडला आयुक्त रवि कुमार एनजी ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण व मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंडला आयुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि जनपद में ई रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए अपर जिलाधिकारी, पुलिस परिवहन और नगर निगम के अधिकारियों की समिति बनाकर मार्गों को चिन्हित करते हुए उनका संचालन कराया जाए। उन्होंने टोरेंट गैस के अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद में सीएनजी गैस फिलिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि किया जाए। उन्होंने एआरएम रोडवेज को निर्देश दिया कि फरेंदा से महाराजगंज तक रोडवेज बसों का संचालन सही से हो और उनकी सूची एआरटीओ महाराजगंज को दें। इसके अलावा मंडलायुक्त ने एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत किया जाए जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो। तेज गति से चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई किया जाए, साथ ही ट्रैक्टर सहित मालवाहक वाहन पर रिफ्लेक्टर लगवाया जाए। उन्होंने मंडल के हर जनपद में वाहनों के स्टैंड एवं विराम स्थलों को चिन्हित करने के अलावा हाईवे के किनारे पर खड़े होने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि मंडल के चारों जनपदों में प्रतिमाह सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से हो। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने पर बल देते हुए कहा कि एआरटीओ, एसडीएम, पुलिस विभाग के अधिकारी भी निगरानी करें, एनएचआई के सड़कों पर अवैध कटों को बंद करें और हाईवे पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, आरटीओ अनीता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एआरटीओ संजय झा, टीएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर आए नहीं है सर, लेकिन हम लोगों ने अभी सर 10 दिन पहले मीटिंग की थी ना, वहाँ पे जीटीए में जाके आपने कहा था सर जीटीए क्या उसमें कर दीजिए मीटिंग, तो हमने एसपी ट्रैफिक साहब ने सबने की थी सर वहाँ पे। तो उन लोगों का सर ये मत था कि हम जब एक्सटेंशन खुला बन रहा है सर 2 महीना लग गया सर, इस एक्सटेंशन में एक आपको काम कर हम प्रीपे टैक्सी तो करेंगे और उसी में ही हम वो 2 महीने वही करेंगे सर टेंडर। उनको बता दीजिए जो टेंडर का प्रक्रिया तो शुरू कर दे सर, हम लोग दिक्कत क्या है, आप कल भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ छोड़ने गए थे तो आप देखेंगे तो सब सड़क का खड़ा है सर, ठीक है। अच्छा कौन, मैं ये चाह रहा था जैसा दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में होता है, कोई एक चीज़ हो जाए, चाहे वो करे या चाहे आप करें या चाहे जी डी ए के माध्यम से, वो जो हम लोगों ने ये कहा था कि जो वहाँ पे चारूचंद ट्रस्ट का 10 एकड़ जमीन जो नगर निगम को वो रेंटल पे दिए थे, उसी ज़मीन पे हम लोगों ने कहा है कि जीडीए के माध्यम से कोई आपको पार्किंग का व्यवस्था और गाड़ियों का मूवमेंट का व्यवस्था एक चीज़ करवा ली। जीडीए सचिव के यहाँ से सर ये डिस्कशन हुआ था सर, अभी आज के दिन में आपको पता भी नहीं चलता है कौन किस गाड़ी में बैठ के चलेगा, ठीक है, और कल कोई भी घटना होती है नहीं, बट वहाँ क्या है आज के दिन में वो क्या रहा है, आपने देखे होंगे सभी लोग फोर व्हीलर्स जो टैक्सी वाले हैं और वो सब खड़े रहते हैं, पता क्या है कोई भी गाड़ी में होगा हमारे गाड़ी में होता है तो उसमें क्या होता है बाई चांस किसी ने किसी गाड़ी में बैठ गया, सोचो बाई चांस कोई इवनिंग टाइम में गए ना, सीसीटीवी कैमरा है ना, वो कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हमको आइडिया है, तो कहीं पर भी कहीं बाई चांस मिस हो गया कोई चीज़ हो गया या उनका कोई सामान गाड़ी में छूट गया, वो उतर गया है, बाद में पता चला उनका कीमती जमीन प्रॉपर्टी का ही कोई बैग छूट गया है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा गाड़ी में वो बैठे हुए हैं। कम से कम हमको, मैंने ये बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ कि एक प्रक्रिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ये करें कि टेंडर का प्रोसेस करा करके, ठीक है, टेंडर का प्रोसेस करा करके किसी एजेंसी को फाइनल करें, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे और हमें केवल इतना पता चले कोई भी वहाँ से आए हुए हैं वो किस गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहाँ गए तक गए हैं और उस गाड़ी का नंबर क्या है, वो ड्राइवर का डिटेल्स क्या है, सो दैट कल एनी इंसिडेंट ऑल्सो वी शुड बी एबल टू ट्रैक, ओके ये आए थे फॉर एग्जांपल टूरिस्ट, बहुत लोग आते हैं, अब वो टूरिस्ट किस गाड़ी में बैठे हैं, कहाँ गए हैं, कोई हम इधर कोई दिखाने के लिए ले जाएंगे करके, कोई भी इंसिडेंट के लिए हम लोगों को मौका नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको सर करा देते हैं।
विशेषकार से जो काम हुआ था सर उसकी अवलोकन है सारा। हम लोग विशेषकार से रेट्रोफिटमेंट के लिए दो लोगों को हम लोगों ने प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया था